आपको इस पे रेसिपी भी देखने मिलेगी और आप लोगों को इसी में ब्लॉग भी देखने मिलेगा। खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आटा छीलने के समय जिसकी आग जलती है ना, तो बोलते हैं उसकी सास है ना उससे बहुत प्यार करती है। तो ये वाली रेसिपी ना कोली लोग ज्यादा बनाते हैं। अगर तो हाँ चूमा चाटी तो बहुत है, लो जाओ एक घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। है ना मैं औरत बहुत काम की, ऑलराउंडर मम्मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अभी थोड़ा सा मेरा रेसिपी चैनल को मैं चेंज कर रही हूँ। चेंज यानी अभी आपको इस पे रेसिपी भी देखने मिलेगी और आप लोगों को इसी में ब्लॉग भी देखने मिलेगा। दोनों चीज़ें आपको इसी के ऊपर देखने मिलेगी। और जो मेरा ब्लॉग चैनल है अफरोज रेसिपी ब्लॉग, उसके ऊपर आपको शॉर्ट देखने मिलेगा, जैसे कि शॉर्ट में मैं बनाने वाली हूँ। हाँ, बोले ना बराबर। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं दिन भर क्या करती हूँ, इसमें आपको रेसिपी भी बता दूंगी, साथ ही में आप लोगों को भी देखने मजा आ जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा वाला ब्लॉग कितना पसंद आता है मुझे कमेंट में बताना, वो हिसाब से मैं अपना काम आगे करूंगी। बराबर। तो चलिए, जैसे कि मैं सुबह उठ गई, सुबह उठने के साथ में सबसे पहले मैंने चाय चलाई, दूध गर्म करी, उसके बाद में तुम्हारे भाई को नाश्ता दी, मैंने नाश्ता की, अशरफ को दी नाश्ता, उसके बाद में मैंने अपनी कपड़े धोने की मशीन लगा ली यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा मुझे कम्फर्टेबल नहीं होता है कपड़े वगैरह धोने के लिए, फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ कैसा भी करके। तो और मैं खाना भी बना रही, तो खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी और सेपू और उसमें मूंग की दाल डाल के भाजी, उसके साथ में झींगे की झींगे का सुक्का बनाने वाली हूँ मैं, ये इसमें हरे मसाले में, उसी के साथ में मैं बनाने वाली हूँ मच्छी फ्राई। हाँ। ये सब आपको देखने मिलेगा। चावल तो मैंने बना दी हूँ और रोटी तो आके हमारी माँ उसकी बनाई थी, है ना फिर। बराबर। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर कपड़े लगा रही हूँ, आधे कपड़े मेरे धुल के हो गए हैं और यहाँ पे मैं आधे कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। काम बहुत पक जाता है, इधर बिना जमता नहीं है, कुछ क्या करना है और क्या नहीं करना है, कंफर्टेबल मैं रहती नहीं हूँ, केयर करना सोच रही हूँ, है ना। हाँ बराबर। तो चलिए अभी आपको मैं जब किचन पे जाऊंगी तब आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चलिए गाइस मैंने कौन सी भाजी बनाई हूँ वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई हूँ मेथी, शेपू और उसी के साथ में मैंने मूंग की दाल भिगो के रखी थी आधा एक घंटा, वो इसमें डाली हूँ मैंने। और इसके अंदर दो मीडियम साइज के प्याज और चार से पांच हरी मिर्ची तेल में डाल के मैंने उसे अच्छी तरह से फ्राई कर ली। उसके बाद में मैंने मूंग की दाल डाली, फिर उसे थोड़ा पांच मिनट पकाई, उसके बाद में शेपू और मेथी डाली, नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मस्त एकदम, इसे आप चपाती के साथ में खाना ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये बनकर यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, अभी मैं बनाऊंगी झींगा, सूखा झींगा, तो वो भी आप लोगों को अभी मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ। आज कांदा छीलने की बारी मेरी है, क्योंकि हमेशा तो आप लोगों को पता है कि आपके भाई कांदा छील के और दो टुकड़ा कटिंग करके थैली में बांध के फ्रिज में रख देते हैं, कम से कम आधा किलो कांदा वो काट लेते हैं, छील लेते हैं और छील के फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि मैं कांदा कभी भी काटती हूँ तो मेरी आग बहुत जलती है ना कि। बराबर। तो इसीलिए तुम्हारे भाई करते हैं ये काम, मगर आज तुम्हारे भाई को मैंने थोड़ा फुरला भेजी हूँ एक काम से, थोड़ा कुछ मेरा सामान लाना था रेसिपी के लिए, तो इसीलिए मैं अभी ये काम कर रही हूँ, है ना। और कांदा छीलना बोले तो मेरी जान पे आ जाता है, मगर बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, जिसकी आग जलती है ना, कांदा छीलने के समय जिसकी आग जलती है ना, तो बोलते हैं उसकी सास है ना उससे बहुत प्यार करती है। मेरे को तो यकीन नहीं आता, मेरी सास तो मुझे इतना प्यार नहीं करती थी, फिर भी मेरी आग क्यों इतनी जलती है, आप लोग बताना ये बारे में, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बताना कि ऐसा बहुत लोग बोलते हैं जिसकी आग जलेगी ना तो बोलते उसकी सास बहुत प्यार करती, क्या मालूम, मेरी सास नहीं करती थी मेरे से ज्यादा प्यार, मगर मेरी बहू की आग जलेगी क्या नहीं जलेगी वो देखेंगे, मैं तो मेरी बहू से बहुत प्यार करने वाली हूँ एकदम ज्यादा। तो चले गाइस यहाँ पे अभी मैं झींगा बनाना स्टार्ट करती हूँ, यानी इसको ये भी बोलते हैं कवली भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने रखी हूँ 3 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए, जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम करी पत्ते डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। करी पत्ते ऐड करने के बाद में मैं इसके अंदर डालूंगी 2 मीडियम साइज की प्याज और 4 से 5 हरी मिर्ची बीच में से फाड़ के। अभी हम इसे हल्का हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ प्याज को हमें सॉफ्ट कर लेना है।
प्याज हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर और एक मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसी के साथ में मैं इसके अंदर ये झींगा भी ऐड करूंगी, यानी कदली। ये मैंने 200 रुपए की इतनी सी ली थी। अभी इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। एक बार गाइस आप मेरे बताए गए हुए तरीके से आप इसे बनाइए। ये खाने में इतना चटपटा सा लगता है, मसाले बहुत ही कम होते हैं, मगर थोड़ा तीखा रहता है। तो एक बार आप इसे चपाती के साथ में ज़रूर खाना। हम लोग इसे चपाती के साथ में खाते हैं जिसमें तेल नहीं होता है, वो वाली चपाती बना के इसे खाना। ये रेसिपी मैंने कहाँ से सीखी हूँ, ये मैंने रेसिपी सीखी हूँ जब मैं शादी के पहले, जब हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कोली लोग ज़्यादा रहते थे, तो ये वाली रेसिपी ना कोली लोग ज़्यादा बनाते हैं। अगर आप में से कोई कोली मुझे देख रहा है, यानी मच्छी वाले, तो आप लोग बताना कि ये वाली रेसिपी मैंने सही बनाई हूँ कि नहीं बनाई हूँ। ऐसे बर्तन में बनाते थे उन लोग ये टोप पे, या नहीं तो उन लोग है ना तवे पे बनाते थे जिसपे उन लोग चावल की रोटी बनाते थे, है ना। बराबर। ये चावल की रोटी के साथ में भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कोली लोगों के बीच में मैं रही हूँ, मुझे पता है कि उन लोगों के खाने कैसे होते हैं। बराबर। अभी हम इसे 5 से 6 मिनट तक का अच्छी तरह से पका लेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे इसे भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से झींगे का पानी जितना छूटा है वो सारा पानी मैं सुखा रही हूँ, और इसकी भुनाई भी मैंने अच्छी तरह से की हूँ। सारी रेसिपी गाइस आपको कुछ भी बनाते हैं तो गैस को मीडियम पे रख के बनाना, बिल्कुल भी हाई पे मत रखना। और मैंने इसे मीडियम पे रख के पकाई हूँ। माशाल्लाह झींगा देखे कितनी खूबसूरती से बन चुका है ना। और झींगा मेरा बोले तो एकदम फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं रावत मच्छी भी इसके साथ में ली थी। तो ये झींगा मैंने ली थी 200 रुपए का, और ऊपर से साथ में मैंने ये रावत मच्छी ली है। देखिए रावत मच्छी मैंने फर्स्ट टाइम ली हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, मगर फर्स्ट टाइम मैं इसे बना रही हूँ, तो मैं बनाने में सोच रही हूँ इसे फ्राई कर लूँ। तो ये भी मुझे उसने दिया है 200 रुपए में। कितनी है पूरी 10 रहेगी ये रावत मच्छी। मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर ली, पहले नमक लगा के रखी थी मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद में फिर मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से धो के पूरा साफ कर ली। और गाइस अभी मेरा अशरफ जा रहा है कॉलेज, मेरा गोलू मोलू क्या कर रहा तू, पानी पी रहा है, पानी की बाटली लेके जाता है, टिफिन बॉक्स भी दो, पानी पी गले में बाटली, टिफिन, आईडी कार्ड। और आज अशरफ का मेरे टेस्ट है ना देना, अच्छे से टेस्ट देना बरोबर से। अभी ट्यूशन में मैं बोली, ट्यूशन बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोली मगर ट्यूशन जा, ये घर में है ना पढ़ाई नहीं करता है, घर में रहता तो हाँ चुम्मा चाटी तो बहुत है, लो जाओ अच्छे से लिख और गाड़ी संभाल के चला, और सीधा बरोबर 5 बजे सीधा घर पे आना, इधर उधर किधर भी नहीं जाना, जाओ अल्लाह हाफिज, दुआ करती हूँ अच्छे से आ जाओ, सलाम करो, वालेकुम सलाम। चलो आसिफ जाके आया कॉलेज, आसिफ 1 बजे आया, सुबह कितने बजे गया था तुम, 8 बजे 8 बजे गया था, तो आसिफ आ गया कितने बजे तक आया, 1 बजे तक, 1 बजे आया आसिफ, अपना उठता अपना चले जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे झींगा हो चुका है, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी, इसके बाद में मैं मच्छी फ्राई कर लूंगी। चलिए इसे बंद कर देती हूँ, ये थोड़ा एकदम भी सूखा नहीं करूंगी, थोड़ा रोटी के साथ में खाने जैसा रखूंगी इसको। तो चलिए यहाँ पे इसे बंद कर देती हूँ, अभी मैं आती हूँ हमारी मच्छी की तरफ, मच्छी को भी निकाल लेती हूँ मैं यहाँ से, मस्त दिया है एकदम मच्छी उसने। अभी इसको भी मैं मसाला लगा के जरा फ्राई कर देती हूँ। एक तरफ कपड़े भी चालू है मेरे धोने के, क्या करेंगे जिंदगी में औरत लोगों को बहुत काम रहता है, एक काम नहीं रहता है ना, इधर भाजी भी बनाओ तो चाखने के लिए मच्छी फ्राई मांगता है, और चाखने के लिए और कुछ मांगता है ना, भाजी हमारे घर में हलक से उतरती नहीं है, भाजी कैसा मैं डाइट कर रही हूँ करके मुझे भाजी खाना पड़ता है, क्योंकि मैं चिकन नहीं खाती हूँ, मटन थोड़ा सा खाती हूँ, मटन इतना पसंद नहीं है, चिकन ज़्यादा पसंद है, मगर मैं डाइट पे हूँ करके मटन नहीं खा, चिकन नहीं खा रही हूँ, थोड़ा बहुत मटन खा लेती हूँ और थोड़ी बहुत फिश खा लेती हूँ, मगर भाजी की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती हूँ, जैसे कि इतना मैंने अगर चावल ली हूँ तो इतनी सी मैं भाजी लूँगी, भाजी की क्वांटिटी से ही, मतलब भाजी से ही मैं अपना पेट भरती हूँ, है ना। तो चलिए अभी बाद में बताती हूँ क्या करूँ।
तो चलिए अभी हम हमारी रावस मच्छी को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। तो नमक क्या करना गाइस, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, जितना आपको पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। नमक के बाद में मैं इसमें डालूंगी मिर्ची पाउडर। तो ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, क्योंकि इससे क्या होगा कलर अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर में ना सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है, इसके तीखेपन के लिए नहीं डाला जाता है। अभी इसी के साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर की क्वांटिटी मैं कभी भी मच्छी फ्राई में कम रखती हूँ। इसी के साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर। तो ये धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच इसके अंदर डाल दूंगी। मस्त एकदम मज़ेदार और चटपटी सी हमारी मच्छी बनेगी। थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ने वाली हूँ मैं इसके अंदर, तो थोड़ा सा नींबू डाल देना। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद है तो अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्ची डाल दूंगी। तो ये तीखी वाली लाल मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब क्या करना है, ये हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है और इसे मस्त एकदम मिक्स कर देना है अच्छे से। मैं नींबू डालने का है, नींबू डालने का बाद में देखती हूँ, है ना। अगर मिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डाल देना। ऑयल डाल के मिक्स करेंगे तो और मज़ेदार मसाला आपका पूरा मच्छी में लग जाएगा। मसाला लगा के हम इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। जब तक का मैं देख लेती हूँ मेरे कपड़ों की क्या हालत है। देखिए यहाँ पर देख लो, मशीन के साथ में चालू है, कपड़े ये सब खंगालने गए। अभी तुम्हारे भाई आएंगे तो थोड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि कपड़े में क्या कर रही हूँ सुखा सुखा के रख रही हूँ, फिर बाद में खंगालने गए। मैं अकेली खंगाल नहीं सकती, तुम्हारे भाई का इंतजार कर रही हूँ। तो चले गए, यहाँ पर मैंने तेल रखी हूँ गर्म होने के लिए। 5 से 6 चम्मच एक पैन में रखी हूँ मैंने गर्म होने के लिए, और मच्छी को अच्छी तरह से मैरिनेट करके मैंने यहाँ पर ले ली हूँ। अभी बिस्मिल्लाह बोलकर मैं इसे डालूंगी। बिस्मिल्लाह है ना। अभी इसे क्या करना है, अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए एक तरफ से 5 मिनट, एक तरफ से 5 मिनट ऐसे करके हमें मच्छी को फ्राई कर लेना है, है ना। और गैस को मीडियम पे रखना है। तेल अगर अच्छी तरह से गर्म हो गया तो गैस को मीडियम पे रख देना, ज़्यादा हाई पे रख के मत बनाना, नहीं तो आपकी मच्छी है ना जल जाएगी। और दूसरी बात ये कि करती हुई कुरकुरी मच्छी बनाना, थोड़ा अच्छे से उसे कड़क कर लेना। कड़क कड़क मच्छी खाने में थोड़ा ना मुझे अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ी कड़क मच्छी बनाती हूँ, है ना। अभी आप लोग बोलेंगे आपने जला दिए, मैं जलाती नहीं हूँ, मुझे थोड़ी कड़क मच्छी अच्छी लगती है, जैसे कि मैं कड़क हूँ। कड़क बस बोले। तो यहाँ पे हमारी मस्त एकदम कड़क कड़क मच्छी फ्राई हो चुकी है। देखिए कुरकुरी मच्छी, कुरकुरी मच्छी फ्राई हो चुकी है। मच्छी कभी भी आप गाइस फ्राई करेंगे ना, थोड़ी कड़क ही फ्राई करना, एकदम नरम नरम रहती है ना, तो खाने में मजा नहीं आता है। और हम लोग के साथ ना कभी भी थोड़ी सी कड़क मच्छी खाते हैं, है ना। अभी से निकाल ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा खाना बनाकर पूरा कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ मैंने कपड़े भी धो ली और मैंने साथ में खाना भी पका ली, है ना। और मैं औरत बहुत काम की, ऑलराउंडर मम्मी, ऑलराउंडर मम्मी। हाँ बराबर बोला। अभी तो इंग्लिश सिखाते हैं ना मम्मी को, थोड़ा सा इंग्लिश सिखाता सिखाता ना सिखाता ही नहीं। देखो 2-3 बार बोली मेरे को तो इंग्लिश सिखाया। तो चले गए, यहाँ पर सारा खाना हो चुका है, कपड़े मशीन में चालू ही, अभी वो धुल रहे हैं। तो आधे कपड़े मैंने यहाँ पे धो के रख दी हूँ और थोड़े बाकी है वो धुल रहे हैं। अभी चलो जब तक खाना खा लेते, क्योंकि टाइम भी होने आ गया। तो जैसे कि हम लोग ये बनाए थे, ये देखिए झींगा मस्त एकदम सूखा सूखा बनाई हूँ मस्त। इसे चपाती के साथ में खाएंगे तो एक नंबर लगेगा। देखो मुंह में पानी आने लग गया, इतना टेस्टी झींगा बना है। मैं आपको निकाल कर बताती हूँ, देने वाली हूँ मैं आसिफ को खाने के लिए, है ना। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो भाजी बनाई थी मैंने, तो ये भी आसिफ बोला मम्मी मेरे को भी दे दो थोड़ी सी, मैं भी खाता हूँ। तो मैं बोली चल तू भी ले ले। तो यहाँ पर ये भाजी मैं खाऊँगी मस्त अपने, और उसी के साथ में यहाँ पर मच्छी दे रही हूँ मैं आसिफ को। मच्छी देखिए एकदम कुरकुरी सी बनाई हूँ मैंने, है ना। मौकी में रोटी डाल दो जरा, मौकी हमारे उधर रोटी बना रहे। मैं बोली चलो जब तक का मौकी रोटी बना रहे, यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी। ये देखिए ये हमारी डिश आज रेडी हो गई। आज का ब्लॉग आप लोगों को कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, है ना। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोलकर हम खाना शुरू करते हैं। तो ये आसिफ को दी, आसिफ तू
हाँ बस दिख रहा है ना एक नंबर दिख रहा है। एकदम गर्मा गर्म रोटी इसके साथ में खाना मजा आ जाएगा है ना। रोटी तो मैं नहीं डाल रही हूँ, जब से मेरे हाथ का ऑपरेशन हो गया तो मावशी रोटी डालते हैं है ना, इसके पहले से ही मावशी डाल रहे थे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के खाइए और फिर इसके बाद में काम होने के बाद में खाना खा के मैं काम कर लूंगी, उसके बाद में रूम पे जाके आऊंगी तो आप लोगों को लेकर चलते हैं। चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए खाना है ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी है ना। चलो तो चलिए गाइस, हमारा कपड़ा धोके भी हो गया और जो मेरा काम था खाना वीना पका के वो सब कुछ हो गया। उसके बाद में मैं थोड़ा फ्रेश हुई, थोड़ा नहाई धोई, उसके बाद में मैं आई मेरे रूम की तरफ देखने के लिए कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। जैसे कि मैं सुबह से आ ही नहीं पा रही थी, सुबह से मुझे आने ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे हाथ में था काम है ना, एकदम बराबर। तो अभी मैं आई हूँ तो अभी माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी तरह से काम चालू हो चुका है। नीचे 1-2-3 फ्लोर हो चुका है और उसके ऊपर है टेरेस है ना, और टेरेस एकदम जबरदस्त दिख रही है। तो दिखाने का है नहीं, बाद में दिखाएगा, नजर लग जाती है। बाद में दिखाएंगे। और अशरफ कॉलेज से आ गया, कैसा गया पेपर कल? तो बोलो कैसा गया? क्या पेपर झिंगे की भाजी कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी, अच्छी बनी थी। तो चले गाइस अभी यहाँ तक ही हमारा ब्लॉग रहे, यहाँ से मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मज़े से ब्लॉग देखना हंसते हंसते अपनी पूरी फैमिली के साथ में, और इंजॉय ज़रूर करना हमारा ब्लॉग देखकर है ना सिर्फ। और हाँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना कि ये वाला फिर से मैं बनाऊँ क्या, ऐसा ही ब्लॉग चाहिए सिर्फ रेसिपी चाहिए, रेसिपी और ब्लॉग क्या बोलता थी? हाँ, रेसिपी विद ब्लॉग, रेसिपी विद ब्लॉग ये हाँ, चाहिए आप लोगों को है ना बराबर। मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।